हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल वन के क्वेश्चन 101 से 110 तक, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एलिमेंट इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 31.8, इट्स एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज। तो हमें एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो है निकालना है, तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट अगर हमको चाहिए तो ये होता है दैट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला बनता है। आप देखो जरा, हमको डेटा गिवन है, स्पेसिफिक हीट जो है वो हमको दी गई है। कितनी दी गई है, 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये हमको स्पेसिफिक हीट दी गई है, इक्विवेलेंट वेट भी दिया गया है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना है, 31.8। तो भाई इक्विवेलेंट वेट तो हमको दिया है, अगर हमको बैलेंस ही पता चल जाए तो बस एग्जैक्ट एटॉमिक वेट चुटकियों में आ जाएगा, क्लियर है। तो अब देखो ज़रा, स्पेसिफिक हीट का यहाँ पे क्या रोल है। तो अगर हमको एटॉमिक वेट डिटरमाइन करना है, ठीक है ना, एटॉमिक वेट, तो ड्यूलिंग पैटिट ने एक लॉ दिया था, तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, ये होता है हमारा 6.4 के इक्वल, ठीक है ना। तो एटॉमिक वेट हम यहां से जो है वो निकाल लेंगे, तो ये 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, तो 6.4 और स्पेसिफिक हीट जो है वो 0.1 है, ठीक है ना। डेसिमल से डेसिमल हमारा कैंसिल, तो 64 जो है वो हमारा एटॉमिक वेट आ गया। लेकिन हमको तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट हमको पता है, बैलेंस ही पता चल जाए तो बस एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो अब देखो ज़रा, हमारे पास जो है वैलेंसी इक्वल होता है एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, ये रेशियो होता है। तो एटॉमिक वेट कितना है, 64 है, और इक्विवेलेंट वेट जो है वो 31.8 गिवन है, तो इससे हम बैलेंसी जो है वो निकाल लेंगे, तो ये हमारी जो है वो 2 आएगा, ठीक है ना। एक बार डिवाइड करके हम देख लेते हैं, क्लियर है। तो देखो ज़रा, ठीक है ना, तो ये 2 आया ऑलमोस्ट, और बस इसके बाद हम एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हमको चाहिए है, तो आपका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना है हमारा, 31.8 है, इनटू 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये 16, ये 3 बनेगा, और तो 63.6 जो है वो हमारा एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया। तो आपका आंसर जो है वो सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज 0.214 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज। तो अप्रोक्स एटॉमिक वेट जो है वो हमारा आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स एटॉमिक वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ड्यूलिंग पैटिट ने दिया था, वो 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो 6.4 और स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारी कितनी है, 0.214, ठीक है। आप डिवाइड कर दोगे तो बस आपका अप्रोक्स एटॉमिक वेट जो है वो आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो ज़रा, ये 6.4 डिवाइडेड बाय 0.214,
तो ये आ गया हमारा 29.9, ठीक है ना। तो 29.9 ये हमारा अप्रॉक्स जो है वो 30 आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 103 है। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ अ मेटल गिविंग 111 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड। द क्लोराइड इज आइसोमॉर्फस विथ मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O। द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज, तो हमें मेटल का एटॉमिक मास जो है वो बताना है, ठीक है ना। तो हमको गिविन क्या क्या है, तो हमको क्लोरीन वेट जो है, ठीक है, ठीक है, क्लोरीन का वेट जो है वो हमको गिवन है कितना, 71 ग्राम, ठीक है। कंबाइन विथ मेटल 111 ग्राम, ठीक है। तो क्लोराइड मतलब मेटल क्लोराइड ये हमारा गिवन है 111 ग्राम, ठीक है। फिर द क्लोराइड इज आइसोमोरफस विस, इतना तो एटॉमिक मास हमको बताना है, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, अब हमारा मेटल क्लोराइड जो है वो कितना है, वो 111 ग्राम है, तो और 71 ग्राम क्लोरीन है, तो क्लोरीन Cl2 होगा तभी इसका 71 ग्राम जो है वो उसका मास आया, ठीक है ना। तो हमारा मेटल क्लोराइड जो है वो आपका MClO2 ये होगा, ठीक है। क्लोरीन अगर जो है वो 71 ग्राम है, इसका मतलब मेटल क्लोराइड हमारा MClO2 होगा, ये कन्फर्म है, ओके। अब देखो ज़रा, हमको एटॉमिक मास मेटल का बताना है, तो मेटल का एटॉमिक मास तो आप M मान लो, क्लोरीन जो है वो 71 हो गया, और टोटल क्लोराइड जो है वो 111 ग्राम है, तो ये हो जाएगा हमारा 111 माइनस 71, राइट। तो ये 0 और ये 4, तो आपका 40 जो है वो एटॉमिक वेट हो जाएगा मेटल का, ठीक है ना। तो मेटल का एटॉमिक वेट जो है वो आपका 40 आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है। द कार्बोनेट ऑफ अ मेटल इज आइसोमॉर्फस विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कंटेन 6.091% ऑफ कार्बन। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज नियरली, ओके। तो ये आइसोमॉर्फस है MgCO3 का, तो हमारा कार्बोनेट जो है वो MCO3 होगा, क्लियर है। वो कहता है कि 6.091% कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है, तो अगर हमारा कार्बन जो है 6.091 ग्राम है, तो निश्चित तौर पे ये MCO3 जो है वो कितना होगा, 100 ग्राम होगा, क्लियर है। और चूंकि ये आइसोमॉर्फस है, ठीक है, तो उसमें एक कार्बन होगा ही होगा, तो एक कार्बन होगा तो मतलब कार्बन कितना होना चाहिए, 12 ग्राम कार्बन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो अगर 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, तो फिर हमारा मेटल कार्बोनेट का वेट कितना होगा, मोलर वेट, वो होगा 100 by 6.091 into 12, ठीक है। तो आप इसको देख लो ज़रा, 100 into 12 और डिवाइडेड बाय 6.091, तो आपका जो है वो 197 आ गया, ठीक है ना। तो 197 जो है, दैट इज़ द मोलर वेट आ गया मेटल कार्बोनेट का, ठीक है। तो एटॉमिक वेट मेटल का जो है हमको बताना है, तो बता सकते हैं। तो देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो MCO3 ये कितना है, 197 है, क्लियर है। तो मेटल का वेट हमको निकालना है, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 3 करोगे, ये टोटल सम जो है वो 197 आया, ठीक है ना। तो मेटल प्लस ये 12 और ये कितना हो गया, 48 हो गया, 197। तो मेटल जो है ये कितना हो जाएगा, ये 50 और 10 60 हो गया, तो 197 और माइनस 60 कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये 7, ये 3 और ये 1। तो मेटल का
एटॉमिक वेट जो है वो 137 जो है वो आ गया। तो आप देख लो ज़रा 137 जो है वो आपको नज़र में है कहीं, तो 137 मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 105। अ मेटल एम फॉर्म अ सल्फेट विच इज आइसोमॉर्फस विथ MgSO4.7H2O। इफ 0.6538 ग्राम ऑफ मेटल्स एम डिस्प्लेस 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल एम इज। ठीक है ना, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो ज़रा, हमारे पास एक मेटल सल्फेट है, ठीक है, जो कि आइसोमॉर्फस है MgSO4.7H2O का। तो हमारा मेटल सल्फेट MSO4 जो है वो हम ले लेते हैं। क्लियर है, ये रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। तो आइसोमॉर्फस का मतलब है बैलेंसी जो है वो मेटल की सेम होगी, मतलब लाइक मैग्नीशियम 2 है तो इसकी भी 2 होगी, राइट। तो ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, तो निश्चित तौर पे सिल्वर सल्फेट जो है वो आपका बनेगा, ठीक है, Ag2SO4, और बन जाएगा MnO3O2। ठीक है, इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 ये आ जाएगा, ओके, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है, ओके। अब हमको गिवन क्या क्या है देख लो सरा। इफ़ इतने ग्राम ऑफ मेटल एम, ठीक है ना, तो मेटल का वेट जो है वो 0.6538 ग्राम गिवन है, ठीक है, ओके। फिर क्या गिवन है, डिस्प्लेस 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का वेट जो है वो हमको गिवन है 2.16 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगा सकते हैं, ठीक है, तो जितना मेटल है, ठीक है, जितना मेटल के इक्विवेलेंस होंगे उतने ही सिल्वर के डिस्प्लेस होंगे, तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो है वो लग जाएगा। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या कहलाता है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कहलाता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, या आप इधर इक्विवेलेंट वेट की जगह, ठीक है, ठीक है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह आप लिख सकते हो वेट बाय, यहाँ पे आप एटॉमिक वेट इनटू क्या लिखोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, और वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। तो ये तो हमारा जो है वो मेटल के लिए है और ये सिल्वर के लिए है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का आ गया। क्लियर है, इक्विवेलेंट वेट की जगह हम ये लिख सकते हैं, बात बराबर है, ओके। आगे बढ़ो भाई, तो देखो ज़रा, वेट तो हमको मेटल का दिया है 0.6538, एटॉमिक वेट हमको मेटल का निकालना है, तो ये एम हो गया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, इक्वल टू वेट हमको सिल्वर का दिया है 2.16, एटॉमिक वेट सिल्वर का 108 होता है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, तो बस अब आपका जो है वो आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ मेटल एम, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये 0.6538 इंटू 108 इंटू 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2.16, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करा दो, करा दिया भाई। तो अब ये हमारा कितना आएगा, तो देखो ज़रा, 0.6538 इंटू 108 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.16, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 65.38, तो 65.38, क्लियर है। तो ये हमारा एटॉमिक वेट जो है वो आ गया, तो आपका आंसर जो है वो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो भी। हमारा क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, 500 मिलीलीटर ऑफ आ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन्स 6.02 × 10²² मॉलिक्यूल्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन बताना है सॉल्यूशन का, और वो किस में बताना है, मोलैरिटी में बताना है, ठीक है ना। तो मोलैरिटी में कॉन्सेंट्रेशन बताना है,
तो मोलैरिटी हमको निकालनी है। तो मोलैरिटी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, हमको क्या दिया है, हमको वॉल्यूम तो हमको दिया है 500 मिलीलीटर, ठीक है, और हमको क्या दिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन इतने मॉलिक्यूल, तो हमको एन जो है वो दिया है 6.02 × 10^22। तो अब ये जो एन है इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, और वॉल्यूम हमको गिवन है तो मोलैरिटी हमारी आ जाएगी। क्लियर है, तो यही काम करते हैं अपन। तो मोल जो है वो आता है एन वाई एन ए, ठीक है ना। तो एन कितना है 6.02 × 10^22, और एन ए कितना है 6.02 × 10^23। ये से हमारा ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10^-1, मतलब कि 0.1, ठीक है ना। तो 0.1 मोल हो गए, तो मोलैरिटी निकाल लो भाई, मोलैरिटी ये मोल तो 0.1 हो गए, ठीक है, और वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो ये तो हमको 500 मिलीलीटर है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये लीटर हो गया। अब आपको ये तो हमारा 2 times हो गया, राइट। तो मोलैरिटी जो है वो 0.2 आई, तो 0.2 m, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 107 कहता है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.18% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KOH इज, ठीक है ना। तो हमको पता है ये परसेंटेज दिया है, तो इसका मतलब क्या है, 2.8% का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 2.8 ग्राम KOH, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एम वाई वी का मतलब आपका यही है, ठीक। आगे देखो जरा, तो हमको भाई क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो मोल तो हमारे क्या होते हैं, मोल जो होते हैं हमारा वेट बाय मोलर वेट, तो बस मोल की जगह हम वेट बाय मोलर वेट कर सकते हैं, वेट बाय मोलर वेट इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो ओके, तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया, वेट बाय मोलर वेट इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो वेट कितना दिया है, 2.8, ठीक है। मोलर वेट के वेज का कितना होता है, तो पोटेशियम का तो होता है 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये 56 हो जाएगा टोटल। तो 56 आ गया सम, ठीक है ना। तो ये 56 आ गया, और इंटू वॉल्यूम जो है 100 मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हम ऊपर भेज देते हैं उसको अभी, ठीक है। तो ये से आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। डेसिमल हटाओगे तो 0 यहाँ आएगा, तो ये आएगा आपका 2 times, ठीक है। एक 0 से आपका ये 0, तो ये आपका 1/2, मतलब कि आपका 0.5 आ गया, ठीक है। तो 1/2 0.5, मतलब आपका m/2 जो है वो आपका मोलैरिटी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो भाई। 108 द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड एंड 900 ग्राम ऑफ वाटर इज, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का बताना है। तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वाटर का बताना है, तो ये होता है मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसका होगा, सोडियम क्लोराइड वाटर में जुड़ा है, ठीक है ना। तो मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ NaCl, तो ये मोल सॉल्यूशन के होगा और ये मोल वाटर के होगा। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो अब मोल वाटर के निकाल लेते हैं। तो मोल क्या होता है, हमको गिवन क्या है, वेट गिवन है, तो मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, तो हम वाटर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो वाटर का वेट जो है वो कितना है, 900 और 18, ठीक है ना, तो ये 50 हो जाएगा। मोल जो है वो हम सोडियम क्लोराइड के लिए निकाल लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का
वेट अपॉन उसका मोलर वेट। तो वेट कितना है 117 और मोलर वेट जो है वो 58.5 आता है। ठीक है, तो 58.5 करोगे तो कर लेते हैं भाई, 117 डिवाइडेड बाय 58.5 तो ये आपका 2 आ गया। ठीक है, तो भाई ये 2 आ गया। अब देखो ज़रा मूल फ्रैक्शन H2O का कितना है, वाटर के मोल तो 50 आए, यहाँ भी 50 प्लस ये 2 करोगे तो 50 डिवाइडेड बाय 52 तो आपका मूल फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा तो 50 डिवाइडेड बाय 52 तो ये आपका जो है वो 0.96 आ गया। तो 0.96 मूल फ्रैक्शन वाटर के आ गए, तो 0.96 मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। 109 द मोलैरिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.2, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम है, हमें सॉल्यूशन वेट जो है वो चाहिए। ठीक है ना, सॉल्वेंट वेट कितना है 1000 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट जो है वो हमको चाहिए। ठीक है, यही हमको निकालना है। ठीक है, और मोलैरिटी हमको गिवन है, तो मोलैरिटी जो है वो गिवन है 0.2। तो भाई मोलैरिटी से हम जो है वो वेट निकाल सकते हैं। इस 0.2 का मतलब होता है, मोलैरिटी अगर 0.2 है इसका मतलब है कि 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट हैविंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही है। क्लियर है, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल जो है वो हमको क्या है, इतने मोल जो है वो हमको सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। ओके, तो मोलैरिटी का मतलब ये है। ठीक है ना, तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, NyV। तो मोल तो हमको पता है 0.2 आ गए और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोल तो हमको पता चल गए 0.2, तो बस अब हम वेट निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट पता है कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम पता लगा सकते हैं। राइट, तो ये 0.2 ये सॉल्यूट के मोल थे, वेट सॉल्यूट का पता लगाना है। भाई सॉल्यूट का मोलर वेट कितना होगा, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4, हाइड्रोजन का 1 × 2 करोगे, सल्फर 32 होता है, प्लस 16 × 4 करोगे तो ये आप सम करोगे तो ये 98 आ जाएगा। क्लियर है, तो 98 राइट right? तो वेट हमारा जो है वो आ जाएगा सॉल्यूट का कितना, 98 × 0.2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 हो जाएगा, तो 18 और 1 19, तो 19.6 हो गया। और बस, तो ये सॉल्यूट का वेट हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट वेट हमको पता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट वेट हमारा 1000 है, सॉल्यूट वेट 19.6 है, तो बस हमारा जो है आंसर आ जाएगा 1019.6 ग्राम। ठीक है ना, तो 1019.6 ग्राम मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, डेंसिटी ऑफ अ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो हमको मोलैलिटी जो है वो सॉल्यूशन की बतानी है। ठीक है, हमको ये टास्क दिया गया है और मोलैरिटी हमको गिवन है 2.05। ठीक है, और डेंसिटी भी हमको दी गई है सॉल्यूशन की कितनी है, 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है ना, तो ये डेंसिटी सॉल्यूशन की दी गई है। तो डेंसिटी का मतलब क्या है कि सिंस 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना है, 1.02 ग्राम
एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा ये है सिंपल सा, क्लियर है। तो डेंसिटी का मतलब हमारा ये है कि एक मिलीलीटर में 1.02 ग्राम एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। तो भाई मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये W2 हो गया, ठीक है, इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। हमको ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ये W1 कर लो, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में अगर है तो ये 1000 ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको तो किलोग्राम में चाहिए था। तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है, क्लियर है, ओके। तो अब देखो ज़रा हमको क्या चाहिए, हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो चाहिए है, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, सेंस एक मिलीलीटर सॉल्यूशन में इतने ग्राम जो है वो एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर, मतलब मोलैरिटी तो एक लीटर में ही होती है, तो सॉल्यूशन कितना होगा हमारा, एक लीटर होगा। तो एक लीटर सॉल्यूशन में, मतलब 1000 मिलीलीटर में कितना होगा सॉल्यूशन का वेट, तो 1.02/1 × 1000, तो ये हो जाएगा हमारा ये 10-20 ग्राम, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन वेट हो गया, इतने ग्राम तो हमारा सॉल्यूशन का वेट हो गया, क्लियर है, ओके। अब देखो ज़रा, तो सॉल्यूशन का वेट हमको पता चल गया, अब अगर हमें सॉल्यूट वेट पता चल जाए तो बस मोलैलिटी आराम से निकल आएगी। अब सॉल्यूट वेट कैसे निकालें, तो भाई सॉल्यूट वेट जो है वो मोलैलिटी दी गई है ना, वो इसलिए दी गई है कि आप सॉल्यूट का वेट निकाल पाओ, ठीक है। डेंसिटी से तो हमने सॉल्यूशन का वेट निकाल लिया, मोलैलिटी से हम सॉल्यूट का वेट निकाल लेंगे, ठीक है, तो मोलैरिटी से सॉल्यूट का वेट आ जाएगा, तो मोलैरिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो ज़रा, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम जो है वो एक लीटर में, तो एक लीटर में मोल सॉल्यूशन के कितने हैं, 2.05, तो मोलैरिटी हमारी है 2.05, ये मोल हम निकाल लो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक लीटर, तो मोल तो आ गए हमारे 2.05। अब मोल से हम वेट निकाल लेते हैं, तो वेट अपॉन मोलर वेट, ये हमारा होता है मोल, तो वेट कितना होगा, मोल बाय मोलर वेट, तो मोल तो 2.05 है, मोलर वेट कितना है भाई आपका, एसिटिक एसिड है तो इसका 60 होता है, ठीक है ना, तो 60 × 2.05 कर दोगे तो ये आपका 123 आ जाएगा, ठीक है ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 123 आ गया, ठीक है ना। बस अब आपकी मोलैलिटी निकलने के लिए तैयार हो गई है, ठीक है, तो मोलैलिटी निकलने को तैयार हो गई, तो मोलैलिटी वेट सॉल्यूट का कितना है 123,000, मोलर वेट कितना है एसिटिक एसिड का 60 × वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट का वेट चाहिए हमको, तो सॉल्यूशन तो 1020 है, माइनस आपका 123 कर दोगे, ठीक है ना, तो बस मोलैलिटी जो है वो हमारी आ जाएगी, ठीक है, तो मोलैलिटी आ जाएगी हमारी कितनी, तो 1020 माइनस आप करोगे 123, ठीक है, तो ये हमारा 897 आ जाएगा, ठीक है। आप कर लेते हैं सॉल्व, तो 123 123 हो गया, 123 30 हो गए, डिवाइडेड बाय 60, फिर से डिवाइड करोगे 897 से, 897, ठीक है ना, तो ये 897 आया, ठीक है ना, तो बस अब आपका आ गया है मोलैलिटी 2.28, तो 2.28 हमारी मोलैलिटी आ गई है, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ये सेकंड वाला,
राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर आपका 1012110 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।